अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? बड़े अरसे बाद आप लोगों की फरमाइश पे एक YouTube वीडियो बना रहा हूँ। मुख्तसरन आप लोगों से कुछ बात करूँगा। आप लोग जानते हैं कि हर नौजवान लड़का हो या लड़की यही चाह रहा होता है कि किसी भी अच्छे इदारे के अंदर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अच्छी सी नौकरी हासिल करें। और मौजूदा हालात के अंदर जो सूरत हाल है आप सबके सामने है, मगर हमारी जो बेसिक गलतियाँ हैं उनको सुधारना बेहद ज़रूरी है। तो मैं मुख्तसरन आपको कुछ बातें बताने लगा हूँ। हो सकता है मेरे कुछ दोस्तों, अहबाब और सर्किल्स में ये बात जाए तो मुमकिन है उनके काम आ जाए। सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप किसी भी इदारे में लेके जाएं, वहाँ जमा कराएं, तो उनको रिसीव ज़रूर कराएं। यानी कि आपके पास एक रिसीविंग हो, जिस दरख्वास्त जिस एप्लीकेशन फॉर्म को आप जमा कराएं उसकी कॉपी पे एक रिसीविंग ज़रूर लें। क्योंकि नॉर्मली लोग डाक से दरख्वास्त भेजते हैं, खुद नहीं जाते, तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी कागजात की यूँ नहीं बनती कि बाज़ दफ़ा वो मिस भी हो जाते हैं, या अगर कोई दानिस्ता ऐसी हरकत करना चाहे तो मुश्किल नहीं है। तो बेहतर ये कि आप जो भी दरख्वास्त दें उस पर रिसीविंग ले लें। तीसरा ये कि अपने डॉक्यूमेंट्स के एक से ज़ायद सेट बना के अपने पास रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी पोस्टें भी क्रिएट होती हैं जो कि फ़ौरन आती हैं और फ़ौरन फेल होने के चांसेस भी होते हैं। तो बेहतर ये कि आप उनकी एक्स्ट्रा कॉपी और अटेस्टेड कॉपी करवा के रखें, और उसके लिए 17 ग्रेड के ऑफिसर की तस्दीक होना लाजमी है। तो अगर आप इन दो बातों का ख्याल रखें तो उम्मीद है कि नॉर्मली आप उस पूल में तो शामिल हो सकेंगे जो कि मुलाजमत हासिल करने का पहला जीना है। बाकी फिर दीगर अवामिल पर मैं आपको मज़ीद रोशनी डालूंगा। वीडियो पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ज़रूर मुझे बताइएगा और इसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।